हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पिजन साइंटिस्ट। आज हमारे ब्रीडिंग लॉट की नंबर वन ब्रीडिंग लॉट जो है उसके ब्रीडिंग प्रोग्रेस क्या हुआ है, जो टेडी रॉयल टेडी अंडा दिए थे उसका क्या हुआ, और ये मेहर वाले टेडी का भी बच्चा आए थे। टोटल हमारे जो लॉट में जितना भी हाई फ्लायर्स है सबका जो ब्रीडिंग प्रोग्रेस है उस सब के बारे में बताएंगे। तो वीडियो में वीडियो इंटरेस्टिंग होगा, तो वीडियो को पूरा देखना, आखिर तक देखना। तो अभी क्या हुआ था, लास्ट वीक में मेरा कुछ कबूतर बीमार हो गए थे, डाइजेशन प्रॉब्लम हुआ था, कुछ कबूतरों को ठंडा लगे थे, तो उस सब कबूतरों को दवाई दिए थे, मेडिसिन दिए थे, तो अभी एकदम ठीक ठाक है। तो अभी इन लोगों को हम खाना दिया है, सुबह सुबह खाना दिया है, पानी भी दिया है, तो अभी खाना खा रहे हैं। हम इसके पूरा डिटेल में दिखाएंगे कितना बच्चा हुआ है, वीडियो देखते रहिए। ऊपर में जो है ये पियर, ये ऊपर वाला लॉक है वो मैं लाल जी दिया है, उसमें दो बच्चा हुआ है इन पियरों का, ये बहुत यूनिक पियर है। और ये वाला है और टेडी और सहारनपुरी का क्रॉस, इसके साथ और एक सहारनपुरी का पियर है, ये वाला सहारनपुरी ये नॉर्थ जो ऊपर खड़ा है उसका भी दो बच्चा हुआ था। ये है मेरा आंध्रा टिपलर, उसका भी दो बच्चा हुआ है। इसका जो नॉर्थ है वो इसी तरह दिखता है, वो बाहर छोड़ दिए हम। और ये लाल जीरिया है और एक पियर, तो ये भी बहुत यूनिक है। इसका ये बच्चे अंडा है, दोनों अंडे में क्रैक हुआ है, उससे बच्चा निकलेगा। ये इसका जो मेल है ये लास्ट वीक बहुत वीक हो गया था, तो अभी इसका थोड़ा ठीक ठाक है। यह मेरा मेहर वाला टेडी, तो इसका दो बच्चा हुआ है, ये फिर से अंडा देगा। तो बच्चा जो है एकदम हेल्दी है, एकदम ठीक ठाक है, कुछ ही दिनों में लॉब से निकल जाएगा। तो फिर ये मेरा एक लाल जीरिया है, इसका भी नॉट बाहर है, सेम कलर है इसका। ओ इससे तो अंडे से बच्चा अभी आया है, देखिए हम इसको कुछ डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और एक अंडा से भी बच्चा आ जाएगा। और ये जो है लास्ट वीक ये भी थोड़ा बीमार हो गए थे, तो बच्चा थोड़ा छूट गए थे, तो ये बीमार हो गए थे, उनको थोड़ा ट्रीटमेंट दिया है। टेडी का एक अंडा इसको दिया है, और ये भी चीनी है, बहुत बहुत खूबसूरत कबूतर है ये, और ये अच्छा उड़ता भी है, थोड़ा गुलाबी चीनी कबूतर कहते हैं इसे। अभी दो बच्चा हुआ है। ये मेरा लॉफ्ट का एक टिपलर, मद्रासी टिपलर, उसका चुटियाल है पूरा वाइट। ये है मेरा सखी वाले टेडी, सखी वाले टेडी का भी एक अंडा हुआ, एक बच्चा हुआ है, अंडा नहीं दिए, जल्दी दे देगा अंडा। तो ये ऊपर का दोनों हैं रॉयल टेडी दो, अभी तक इन लोगों का लॉफ्ट नहीं दे पाए, तो इतना दिनों में अंडा दे देते दे। तो ये जो बाहर बैठे हैं ये सब ऊपर एक टिपलर है अंदर, ये वो एक टेडी पेयर था, और उन लोगों का अंडा दिए थे कुछ दिन पहले, हम उसको दूसरे कोई कबूतर के पास दे दिया है। ऊपर में जो कबूतर है उसमें बहुत सारा ऊपर लॉफ्ट में रहता है, जो खाली लॉफ्ट है उसके अंदर रहते हैं, तो अभी वो बाहर निकला हुआ है, तो उन लोगों में भी कोई अंडा दे सकता है अभी कुछ ही दिनों में। तो हम अपडेट करते रहेंगे, आप लोगों को दिखाते रहेंगे। और ये मेरा तो नंबर वन लॉफ्ट है, और भी लॉफ्ट है, ब्रीडिंग लॉफ्ट है, और मेल फीमेल अलग करके रखा हुआ है, वो सब भी हम दिखाएंगे। यहाँ पे एक कालदोमा कबूतर भी है मेरे पास, तो इस लॉफ्ट में चीनी कालदोमा कबूतर, तो वो भी अंडा दिया है, हम दिखाएंगे आपको। तो ऊपर जो है ना ये टेडी और सहारनपुरी का क्रॉस है, और ये सहारनपुरी नीचे है, और एक सहारनपुरी के साथ इसका प्यार किया हुआ है। और इसका जो सहारनपुरी नॉर्थ है उसका आई है पूरा कोकड़ा जी आई। और ये मेरा एक कालो दाना मद्रासी कहते हैं, वो मद्रासी है, वो रेड वाला ब्राउन वाला, तो मद्रासी बहुत अच्छा उड़ता है वो कबूतर। तो वो एक नीचे है एक चुटियाल मद्रासी, बड़ा घर का बच्चा है, वो भी बहुत अच्छा उड़ता है, उसको पकड़ के दिखाएंगे आप लोगों को, एक एक करके सारे के सारे कबूतर एक दिन आप लोगों को दिखाएंगे। तो आज हम ब्रीडिंग जो प्रोग्रेस जो है मेरा लॉट का, वही वीडियो दिखाने वाले हैं आप लोगों को। सो कितना अंडा दिया है, कितने अंडा देने वाला है, और कितने में बच्चा हुआ है, वही सब अपडेट दिया मैं आप लोगों को। तो ये मेरा ब्रीडिंग लॉट नंबर वन है, तो इसमें अभी जो सिचुएशन है आप लोगों को दिखाया हमने, तो फिर से हम वीडियो बनाएंगे इसी लॉट के ऊपर, कल या परसों बनाएंगे और अपडेट देंगे। कुछ कबूतर, ये वाला ऊपर वाला कबूतर थोड़ा उल्टी कर रहा है, इसका डाइजेशन प्रॉब्लम है, इसको अभी मेडिसिन देंगे हम। कुछ कबूतरों को वेदर बहुत ख़राब है, तो ये वेदर चेंज हो रहा है इसी टाइम में, तो होता है ऐसा, तो देंगे कुछ एंटीबायोटिक देने का ज़रूरत नहीं है, डाइजेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ देंगे उन लोगों को मेडिसिन, तो ठीक हो जाएगा। हम कभी मेडिसिन के बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे। तो ये था मेरा कबूतर का जो ब्रीडिंग प्रोग्रेस है
लॉक था, अपडेट था मेरा ये स्पीडिंग प्रोग्रेस अपडेट। तो वीडियो आप लोगों ने देख लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक देना और दोस्तों के साथ शेयर करना। मेरा कबूतर सब अभी हेल्दी है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कबूतर दूसरा वाला लॉक का भी कबूतर दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है।